हेलो माय क्यूट सपोर्टिंग फैमिली मेंबर्स, आज मेरे पास है ये मिनी लिपस्टिक का कॉम्बो पैक। तो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है और टोटल 12 शेड्स इसमें हमें मिल जाते हैं। जिन्हें काफ़ी ज़्यादा शौक है अलग अलग लिपस्टिक ट्राई करने के, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसका ही आज मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या आपको ये परचेस करना चाहिए, इसका टेक्सचर कैसा है और क्या ये ट्रैवल फ्रेंडली है, क्या हमारे बजट में है। तो बजट में तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसकी एक जो लिपस्टिक है वो हमारे आधी उंगली तक आती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा अमाउंट हमें मिल जाता है। क्योंकि ऑफकोर्स एक एक लिपस्टिक हम 150 में ख़रीदते हैं और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब 400 के अंडर ही यह आपको मिल जाती है, वो भी 12 शेड्स की लिपस्टिक। आप कभी भी कोई भी लिपस्टिक लगा के जा सकते हैं। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज किया था तो तभी मुझे ये 250 अराउंड मिल गया था। अभी भी इसमें कुछ ना कुछ शेड मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सेल आपको मिल जाएंगी। तो चलिए इसका पिगमेंटेशन आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं एक ही स्वॉच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा पिगमेंट देता है। अगर आपको टिंटेड कलर पसंद है तो आप टिंट इसका ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा हैवी चाहिए तो आप इसका डबल लेयर भी अप्लाई कर सकते हैं। शेड्स इसके सारे ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके टेक्स्चर की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा क्रीमी है, थोड़ा सा ड्राई है। तो एक चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी है, जो कि है कि ये अब जब आप इसके अपने लिप्स पे लगाते हैं तो ये धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ड्राई होने लगता है। तो विदाउट लिप बाम आप इसे यूज़ करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये जो है मतलब आप अपने लिप्स पे लगाओगे ना तो आपको ड्राई ड्राई फील होगा। तो सबसे पहले अच्छा आप अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, आपकी जो भी डेड स्किन्स होती है लिप्स में वो बिल्कुल भी ना रहे, तो ही ये लिपस्टिक आपके आपके लिप्स पे अच्छे से टिका रह सकता है। मैं आपको एक एक करके सारे शेड्स दिखा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल है। शेड्स के मामले में इसमें कोई भी कंजूसी नहीं की गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे शेड्स आपको मिल जाएंगे। आप अगर लिपस्टिक के शौकीन हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं अलग अलग कलर के लिपस्टिक अपने लिप्स पे अप्लाई करना, तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत ही मिनी सा है, आपके पर्स में ये बहुत ही अच्छे से आ जाता है, बजट में है, आप इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी क्रीमी सा टेक्सचर हमें इसका देखने को मिलता है और ये इतना ब्यूटीफुल लगता है ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसे इतने कम में परचेस किया है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिल जाती है और एक लिपस्टिक आप काफ़ी टाइम तक भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है। और हर एक लिपस्टिक में आपको अलग अलग फ्रेग्रेंस भी मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, इसकी माइल्ड सी है। इसके सारे शेड्स कुछ इस तरह के हैं, आप देख लीजिए। आप अपने लिप्स पे भी इसे अप्लाई करेंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है। तो ये मुझे किसी भी कंपनी के नाम के साथ रिसीव नहीं हुआ है, तो मुझे ये नहीं पता कि ये फेक है या क्या है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है वो क्या है। तो अब मैं इसे यहाँ पर स्मर्च करने वाली हूँ लाइन से, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये स्मर्च प्रूफ बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसे लिप्स पर थोड़ा भी हाथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से स्मर्च हो जाएगा। और किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने कम्फर्ट के बारे में जरूर सोचे। लिपस्टिक काफी अच्छी है, आपको पसंद डेफिनेटली आएगी। अलग अलग शेड लगाना परचेस अगर पसंद करते हैं तो प्लीज आप इसे डेफिनेटली परचेस करें, काफी ज्यादा अच्छी है। आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाती है, तो आप इसे डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। उतनी बुरी इसकी क्वालिटी नहीं है, काफी ज्यादा अच्छी है, तो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हैं। मैं इसे रिकमेंड जरूर करूंगी।